सियासत में इन्हीं तस्वीरों को मौसम विज्ञान कहा जाता है। 2016 तक स्वामी प्रसाद मौर्य मायावती के सबसे करीबी नेताओं में गिने जाते थे, लेकिन उन्होंने मायावती पर अंबेडकर के सपनों को तोड़ने का आरोप लगाया और बीजेपी में चले गए। अब फिर चुनाव से पहले मौर्य ने बीजेपी पर पिछड़ों के उत्पीड़न का आरोप लगाया और अब वो समाजवादी हो चुके हैं। 11 जनवरी की दोपहर 2 बजते उससे पहले यूपी की सियासत से सबसे बड़ी खबर आ गई। योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट में श्रम मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस्तीफा दे दिया। स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफे की चिट्ठी को गवर्नर तक शाहजहांपुर से बीजेपी विधायक रोशन लाल ने पहुंचाया। स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस्तीफे के पीछे जो वजह बताई वो योगी सरकार पर बड़ा हमला था। मौर्य के मुताबिक योगी सरकार में दलितों, पिछड़ों, किसानों, बेरोजगारों और नौजवानों के साथ गलत बर्ताव हुआ। मौर्य के इस्तीफे के सियासी मायने लग ही रहे थे कि एसपी चीफ अखिलेश यादव के एक ट्वीट ने धुंधली पिक्चर एकदम क्लियर कर दी। इस ट्वीट में स्वामी प्रसाद मौर्य अखिलेश यादव के बगल में खड़े दिख रहे हैं। तस्वीर के साथ अखिलेश ने लिखा कि सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य का सपा में सहसम्मान हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। बीजेपी के खेमे में अखिलेश की सेंधमारी का दायरा मौर्य तक ही सीमित नहीं रहा। मौर्य के इस्तीफे के बाद कुछ और विधायकों के इस्तीफे की खबर आई। चुनाव से पहले ये बीजेपी के लिए अच्छा सिग्नल नहीं कहा जा रहा है, इसलिए डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट करके स्वामी प्रसाद मौर्य से फैसला वापस लेने की अपील की। लेकिन मौर्य के लिए बीजेपी पुरानी पार्टी हो चुकी है। इस्तीफे के बाद TV9 भारतवर्ष से बातचीत में स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो पहला रिएक्शन दिया उसका मतलब तो यही निकलता है, अगर सम्मान के साथ रहने का अवसर नहीं मिलता तो ऐसे टिकट। असम्मान किसने किया आपका? असम्मान किसने किया बाबूजी? आपका असम्मान किसने किया बाबूजी? असम्मान किसने किया? वैचारिक रूप से दलितों, पिछड़ों, किसानों, बेरोजगार नौजवानों और साथ ही साथ छोटे लघु मध्यम व्यापारियों के खिलाफ सरकार का रवैया सदैव रहा है। इस विषय बात किया, उसको इग्नोर किया गया, नतीजा हुआ कि आज मैं इस्तीफा दे रहा हूं। आपने बात उठाई थी अपनी, आपने आवाज उठाई थी अपनी, आवाज उठाई थी समय समय पर। किससे कहा था आपने? यहां तक कि मंत्रिमंडल में भी मैंने कही आपने कहा सुना नहीं आपको? सपा में जाएंगे आपको सुना नहीं क्या? सुना नहीं क्या आपको? एक बार पूछेंगे या 10 बार पूछेंगे मैं यही बताऊंगा कि कार्यकर्ताओं समर्थकों से बात करने के बाद मेरा अगला निर्णय होगा। सरकार किसकी बनती हुई लग रही है आपको अभी आज की स्थिति में? मैं क्लियर पूछ रहा हूँ आपसे, सरकार हम जहाँ रहेंगे वहाँ बनेगी। जहाँ आप रहेंगे और आप कहाँ रहेंगे? आप कहाँ रहेंगे बाबूजी? अब हम तय करेंगे कहाँ रहेंगे। समाजवादी पार्टी करीब है दिल के आपके? हम कहाँ आपके दिल के कहाँ रहेंगे, एक दो दिन में ये भी समाचार आपको मिलेगा। वैसे मौर्य के इस्तीफे के बाद सूत्रों के हवाले से ये खबर आई कि वो बेटे को टिकट न मिलने से नाराज थे, इसीलिए बीजेपी छोड़ी। ये इत्तेफाक है या कुछ और कि जब मौर्य ने 2016 में BSP को छोड़ा था तब मायावती ने भी उन पर ऐसे ही आरोप लगाए थे? BSP में आने के बाद श्री मुलायम सिंह यादव की तरह इनका परिवारवाद वाला मोह जो है वो नहीं हटा। परिवारवाद वाला जो मोह है वो नहीं हटा। हमने बोला कि भाई हम परिवारवाद को बढ़ावा नहीं देते हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है। हमने आपको बढ़ावा दिया है तो आपके लड़के को या बेटी को हम टिकट नहीं देंगे, तो बोलते फिर तो मुझे पार्टी छोड़ के जाना पड़ेगा। मौर्य कुशवाहा समाज के बड़े नेता हैं, 2.5 दशक से ज्यादा की सियासत का अनुभव है। उनके जाने से बीजेपी को कितना नुकसान होगा कहा नहीं जा सकता, लेकिन अखिलेश को फायदा जरूर होगा।